भारत से बहुत कुछ सीखना चाहता है ब्रिटेन। खुद को खराब पति और पिता कहने वाले ऋषि सुनक हिंदुस्तान से कैसे रिश्ते चाहते हैं? महज 7 हफ्ते पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की रेस में मात खाने वाले ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की राजनीति में वापसी की शानदार पटकथा लिख डाली। भारतीय मूल के सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। आज यानी मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय सुनक को पीएम का अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। 42 साल के सुनक आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद शाम 4 बजे पीएम हाउस से देश को संबोधित करेंगे। ठीक दिवाली के दिन पेनी मार्डेंट के दौड़ से हटने की घोषणा के बाद सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुन लिया गया। बकिंगम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद 210 वर्षों में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने जा रहे पूर्व वित्त मंत्री के लिए ये एक विशेष दिवाली बन गई। भारतीय मूल के सुनक का पीएम बनना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ऐसे में चर्चा है कि सुनक के पीएम बनने से उनके भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। सुनक ने पार्टी में नेतृत्व पाने के लिए पिछले मुकाबले में प्रचार के दौरान कहा था कि वे ब्रिटेन भारत संबंधों को बदलना चाहते हैं, ताकि इसे दो तरफा आदान प्रदान वाला बनाया जा सके, जिससे ब्रिटेन के छात्रों और कंपनियों की भारत में आसान पहुंच हो। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत से सीखना चाहता है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर सुनक का दृष्टिकोण ब्रिटेन के लिए महज भारत में कारोबार के अवसर से आगे का है। सुनक ने ब्रिटेन भारत संबंधों के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा था, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे छात्रों के लिए भी भारत की यात्रा करना और सीखना आसान हो, हमारी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के लिए एक साथ काम करना भी सुगम हो, क्योंकि ये केवल एक तरफा संबंध नहीं, ये दो तरफा संबंध है। पार्टीगेट मामले के बाद बोरिस जॉनसन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट से विदाई और लिज़ ट्रस के मिनी बजट की नाकामी के बाद सिर्फ 7 सप्ताह के अंतराल पर तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नए नेता को वैश्विक उथल पथल के दौर में अर्थव्यवस्था को बचाने और गहराई से विभाजित कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट करने के कठिन कार्य का सामना करना है। सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऐसे समय सत्ता की कमान संभालेंगे जब ब्रिटेन धीमी गति से विकास की तिहरी मार, उच्च मुद्रास्फीति, यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और बजट की नाकामी के मुद्दे से जूझ रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की वित्तीय विश्वसनीयता को कमजोर किया है।